most of you guys were thinking that why we are not putting any video and we are not doing any YouTubing. Actually, क्या हुआ है कि हम लोग नवरात्रि में बिजी है and we were spending much more offline time than online and we both participated in Dandiya, so we have to go for practice of Dandiya and Garba also. So Dandiya is in which that we use the stick, जिसमें अपन sticks use करते हैं, that is Dandiya. और Garba जो हाथ से होता है. तो आज हम लोग dance से. हाँ dance. तो हम दोनों ने participate किया है. Eva तो stage performance भी करने वाली है Garba का. And कौन सा song है Eva आपका? कमरिया. कमरिया. हाँ हम लोग सिर्फ अभी जो हमारी एज ग्रुप है वो सिर्फ अभी जो है स्टेप्स सीख रही है और हमने अभी तक किसी भी सॉन्ग को प्रिपेयर नहीं किया है. हम सिर्फ स्टेप्स प्रिपेयर कर रहे हैं. अभी स्टेप्स ही डिसाइड हुई है और कंटिन्यूस रेनिंग हो रही है तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी हमारा कम्युनिटी हॉल जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो ये देखिए, मतलब अभी थोड़ा पानी जो है वो सूख गया है, अदरवाइज ये जो है ये पूरा, हाँ ये पूरा जो गार्डन है ये पूरा पानी से इतना भर गया था पूरा. और कोई ऐसी सिम्बा के साइज का कोई बच्चा होता तो वो उसमें आधा आधे आधा डूब जाता और गिर जाता. इतना इतना हाँ इतना है ना. तो दिस इज आवर कम्युनिटी हॉल एंड सी हाँ ये हमारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है. हर रोज रात में बारिश हो रही है वरना हम लोग यहाँ से सीधे जाते थे, अब हम यहाँ से घूम के जाएंगे पूरा. और जो है Eva जो है वो मुझे पूरा प्रैक्टिस में पूरा सपोर्ट कर रही है. वो जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो वो एक अच्छी बेटी की तरह वो अपने छोटे भाई का पूरा ध्यान रखती है. नहीं Eva दिखा रही हूँ ना मैं कि Eva कितनी ज़िम्मेदार और कितनी समझदार बच्ची. ए नहीं जा रहा है, रुक जा बेटा, मैं ले जाती हूँ. इसको पकड़ तो, कैमरा पकड़ है ना. So, ये देखिए कितना कुकु यहाँ से बहुत ध्यान से बेटा. हाँ हा? चिप्स लेके आना पड़ेगा ना तुझे क्या? चिप्स चाहिए क्या? हाँ. तो आप जाके चिप्स लेके आना है ना. अभी लेता अभी मैं इसको प्रैम को उठाने दे मुझे. तू ये पकड़ ले कैम. हाँ. ये देखो सिम्बा इथे बगा. हाँ. ये इधर है. हाँ. अरे यार ये प्रैम ये कम्युनिटी हॉल की तरफ हम जा रहे हैं. यहाँ पे ये हमारा कम्युनिटी हॉल है. इट्स वेरी बिग. बहुत बड़ा है. इट्स टू बिग. सी एंड हाँ एंड दीज पीपल आर प्रैक्टिसिंग. दे आर डूइंग दे आर ऑल्सो परफॉर्मिंग अ पर्सनल डांस. हाँ तो आज नहीं है. देखिए पूरा कॉमन नहीं आज. चलो देखिए आज क्या हुआ है. हम आ गए हैं बिना किसी इन्फॉर्मेशन के अगेन. पर एटलीस्ट यहाँ पे पर आज हो जाता तो अच्छा रहता ना. ओके सो वी गॉट द चांस टू प्रिपेयर फॉर EVS एग्जाम. टुमारो इज Eva's EVS एग्जाम. Eva को वो देखिए ये देखिए सीधे प्रैक्टिसिंग देखा देखिए सी सीधे एंथू या वेरी नाइस. आज कोई प्रैक्टिस नहीं है, हमें कोई अपडेट नहीं है और एक्चुअली हम लोगों का
कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है जहाँ पे वी गॉट द इंफॉर्मेशन, बिकॉज वी पार्टिसिपेटेड इन कॉमन गरबा सोसाइटी डांस, और तो मुझे कोई इंफॉर्मेशन मिली नहीं है. और एज़ यूजुअल हम लोग हमेशा की तरह अपडेट होकर आ गए हैं, पर लेट्स सी कि कोई आता है या नहीं आता है. बस डांस नहीं है ना, कॉमन प्रैक्टिस नहीं है ना. थर्सडे ऑफ, थर्सडे यहाँ पे पुणे में ऑफ होता है मोस्टली बिकॉज इट्स ऑल्सो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती अवेलेबल, और यहाँ पे कोई स्पीकर वीकर भी नहीं है, तो डांस की प्रैक्टिस कैसे होगी. वो ये लोग डांस की प्रिपरेशन करते हैं ना, तो ये भी चालू कर देते हैं. हाँ इन लोग का है ना, बच्चे लोगों का अलग अलग. हाँ अलग अलग एज ग्रुप का दो ग्रुप है जो है ना बेटा, दो ग्रुप्स है ना. हाँ एक छोटे बच्चों का ए, बड़े बच्चों का बी. किसमें बड़े हैं या बड़े हैं? बी में. बड़ी में वो तो बड़ी हो गई तब तो. हम जैसे बूढ़े हैं तो बड़े. कहाँ बूढ़े? सॉरी सॉरी सॉरी. तो हाथ लगा के चार चार अलग अलग ग्रुप है, छोटे बच्चे बड़े बच्चे, छोटी लड़कियाँ बड़ी लड़कियाँ. हाँ निकले. हाँ चलो फिर अपन चलते हैं. चलो आप लोग को बट कह रहे हैं इधर ही रहना है. चलो बाय गाइस, बाय, डू योर प्रैक्टिस. चलो एवा. So I was hoping to give you glance of our practice, but it's not possible today. And we will give tomorrow. Yes, we will definitely do a vlog again tomorrow for Dandiya practice. No, or Mama, I want chips. Chips again. She wants to. Every day she wants chips. आज व्हेनेवर हम लोग आते हैं, व्हेनेवर वी कम टू कम्युनिटी हॉल, इट्स कंपलसरी, इट्स एक्चुअली आवर टाइप ऑफ रिचुअल. मतलब ये रिचुअल है कि हमको चिप्स लेना ही है. और जबकि शी नोज व्हाट इज चिप्स, क्या है चिप्स? कचरा. इट्स कचरा. तो शी लाइक्स स्वीट कचरा. जी आई लाइक स्वीट. लो पकड़ो इसको. बट आई वांट इट कचरा. तो दिस हैपेंड टू अस. आज फिर हमने आज वी हैव व्हाट वी हैव डन एक्चुअली 5 days का प्रोग्राम है हमारे यहाँ पर नवरात्रि का. और 5 days के लिए हम लोगों ने अपने ड्रेसेस निकाल के रखे हैं. चिप्स जैकेलो पर मेरे पास चेंज नहीं बेटा यार, 10 रुपये तो चाहिए रहता है. पर शायद मेरे पास 10 रुपये भी नहीं है. कितने? ये लो मिल गए 10 रुपये. ये यहाँ पे जैसे ही मैंने प्राण में हाथ डाला, ये जादू की पोटली है, यहाँ से कब क्या निकला है कुछ नहीं कह सकते. सी ये निकला है 10 रुपये. लो इसके ऊपर क्या हुआ? ये क्या है? कुछ नहीं है बेटा. ये मामी. हाँ मार कुछ थोड़ी ना होता है उससे. अभी वो जिसने किया है उसने गलत किया है. हाँ तो दिस ये देखिए एक्चुअली आप गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आप नोट्स पर आप कुछ लिख नहीं सकते. कोई आप नोट्स को जो है इट्स अ गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट, तो आप फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तो आप इसको आप कुछ नहीं कर सकते. ना आप इसके ऊपर लिख सकते हो, ना आप इसको आप कलर कर सकते हो, ना आप इसको वॉश कर सकते हो. अगर आप ऐसा करते हो तो दैट इज़ अ बिग क्राइम. तो यहाँ पर हमको ऐसा नोट मिला है जिसमें ऐसा किसी ने किया हुआ है, बट हम कुछ नहीं कर सकते. बट मैं अपनी बच्ची को हमेशा समझाती हूँ कि ऐसा कुछ ना करे, एंड शी इज़ वेरी डिसअपॉइंटेड नोट पर इस तरह से चीज़ देखते. तो आई होप कि आप अपने फ्यूचर लाइफ में कभी ऐसा कुछ नहीं करोगी. मैं क्यों करूँ? हाँ गुड. चलो अब इसको रन करना पड़ेगा. जाओ चिप्स लेके आओ. ये यहाँ पर है सिम्बा, मैं इसको देख रही हूँ, और ये चिप्स ले रही हूँ. तीखे वाले मत लेना, वो सिम्बा को भी लगेंगे ना. प्लीज सिम्बा सॉल्टेड वाले ना, सिंपल सिंपली सॉल्टेड वाले लेना यार. ठीक है मुझे नहीं. अच्छा अभी कुछ तो चाहिए. ओके सिंपली सॉल्टेड दे दीजिए. कुछ मसाला मस्ती क्रीम ऑनियन ले ले. वाह नहीं
यार तुम दोनों खा लोगे ना, उसका भी तो सोच, मिर्ची वाला नहीं खा पाएगा ना। ओके ओके, डू वन थिंग, आप अपना 2M जो लेना है मैं उसको वो जो हमने एपिगामिया लिया है बनाना हनी वो खिला हाँ। दूंगी। ओके ये वाला दे दीजिए भैया उसको रिंग्स, वो निकल के आ गया। सी अब उसको नहीं मिलेगा तो इसको टॉय, वो बोल रहा है उसको चाहिए। चलो 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 अभी नहीं है, चलो 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 नहीं है तो चलो उसका हैप्पी गैमिया दिला दूंगी मैं। ठीक है, मुझे हनी वाला पसंद है वैसे भी। हाँ और ड्रैगन फ्लाई हम इसको हेलीकॉप्टर बोलते थे, हम इसको हेलीकॉप्टर बोलते थे हम लोग छोटे थे ना, पर हम इसको ड्रैगन फ्लाई बोलते हैं। अरे मम्मा इसको तो रखने दो पैसे, खा लो ना पैसे तो उसका कुछ नहीं मिल रहा था क्या 5 रुपीज का? एक और खरीदो। नहीं एक और मत खरीदो प्लीज, बहुत हो गया। नहीं करूंगी, मैं ट्रस्ट करूंगी, पहले सीखने होगा तो। नेचुरल हनी ना, याद है तुमको कल हमारे लिए बहुत अच्छी चीज भी हुई कल, और बहुत ही थोड़ा सा उल्टी सीधी चीज़ें भी हो गई थी हमारे साथ में एक्चुअली। हम उल्टी सीधी कैसे? उल्टी सीधी ऐसे हो गई थी कि जो हम लोगों के यहाँ मतलब मधुमक्खी का जो है छत्ता लगा हुआ था, और सोसाइटी वालों ने मधुमक्खी को हटाने के लिए बुलाया था कुछ लोगों को, और उन्होंने हमें बोला कि आपको हनी चाहिए क्या? मैंने बोला हाँ ठीक है हनी मुझे चाहिए, बिल्कुल नेचुरल है ये हनी तो, और ले लेते हैं 450 रुपीज़ केजी के हिसाब से वो लोग हनी दे रहे थे, एंड इट्स वेरी रीजनेबल क्योंकि आप जो मार्केट में जो आता है वो बहुत ही एडल्टरेटेड होता है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, द टेस्ट इज़ नॉट प्योर, और प्योर नहीं होता नहीं ना। हाँ तो गंदा टेस्ट होता है, इसने खाया था कल, इसने खाया था वो मार्केट वाला उल्टी कर दी सीधा, और कल खिलाया तो ऐसे चैट रहा था। हाँ वही, और वो कितना टेस्टी ना है वो जो हमें कल मिला ना। अब हम क्या हुआ कि हम लोगों ने उनको बोल दिया, उन्होंने हमने उनको बर्तन भी दे दिया, काफ़ी बड़ा बर्तन दिया हमने, 2-3 बर्तन दिए, और मैंने उनको बोला कि उन्होंने मुझसे पूछा कि आप लोगे, मैंने ना एटलीस्ट मैं 1 kg तो लूँगी, ये बात मेरे हस्बैंड ने सुन ली, और तो हम लोग आ गए गरबे की प्रैक्टिस करने के लिए, और वो गरबा का प्रैक्टिस होते होने के साथ ही मतलब वो लोग हम लोग इधर गरबा की प्रैक्टिस कर रहे थे, उधर वो हनी बेचने वाले हनी जो ने उन्होंने निकाला था वो पहुंच गए घर पे, और उन्होंने बोला तो मेरे हस्बैंड ने सिर्फ 1 kg लिया। ये उल्टी सीधी बात हुई हमारे साथ तो ज़्यादा भी लेते हम चाटते चाटते बैठे हम लोग उसका, और जब हमने घर जाके टेस्ट किया तो मतलब ऐसा लगा हमको कि हम मधुमक्खी नहीं, हम मधुमक्खी के छत्ते में ही रह रहे हैं इतना। हाँ। नहीं पर मतलब सीरियसली मतलब इतना टेस्टी है वो, इतना टेस्टी, इट्स डार्क, बहुत डार्क है और बहुत ही टेस्टी है, और मेरे उसके अपने घर पहुँचने बोलते हैं हस्बैंड बोलते हैं मैं होता तुम्हारी जगह पे तो मैं 3-4 kg ले लेता। तो मैंने बोला फिर कि आपने लिया क्यों नहीं, तो बोले कि तुमने तो 1 kg बोला था ना, एटलीस्ट मैं 1 kg लेती, मतलब कहीं आपको दिख रहा है कि प्रोडक्ट अच्छा है या कुछ है तो आपको खुद ले लेना चाहिए ना, मतलब पर नहीं जो बोला है उतना ही लेंगे। हाँ बोला है अपना ही होगा वो चीज़। हाँ तो ऐसा हुआ है हमारे साथ में, अब हम मिस कर रहे हैं कि मतलब काश हम